Assalamu alaikum, this is me Rabiga Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with my new YouTube video. ये वाली वीडियो ना इतने टाइम से मेरे YouTube चैनल से गायब हो गई थी. मैं खुद हैरान हो गई कि यार ऐसा क्यों, मैंने क्यों नहीं बनाई वाली वीडियो. लेकिन खैर, अब मैं फाइनली वीडियो लेकर आ गई हूँ. वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे, समझ गए ना कि ये कौन सी वीडियो है. जो वीडियो का लुक है वो है बिल्कुल नेचुरल. नेचुरल से मुराद नेचुरल मेकअप लुक. बिल्कुल नेचुरल लुक इसलिए मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से मेरे फैंस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ इस तरह का बताएं कि हम मेकअप इस्तेमाल तो करें लेकिन हमारा चेहरा इतना स्मूथ लगे, हम कहीं भी बाहर जाएं तो लोग बोले ओह माय गॉड व्हाट अ नेचुरल स्किन, व्हाट अ नेचुरल मेकअप. तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक आप हमें ट्यूटोरियल बना के दिखाएं और सिखाएं. सोचा कि क्यों ना बना ली जाए और मैं बता दी जाऊं कि मैं अपना नेचुरल मेकअप लुक कैसे क्रिएट करूं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की YouTube वीडियो. ये रहा मेरा हेडबैंड और ये मैं पहन लूं ताकि मेकअप मेरे बालों पे ना लगे. सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्यूटी ऑयल. मेरी स्किन आजकल बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगी है कि आपको बता नहीं सकती. I'm so sorry. टू ड्रॉप्स मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिए. क्या बात है ब्यूटी ऑयल की, क्या बात है ब्यूटी ऑयल की. So let's apply foundation and I have brush too and I have this concealer too. सबसे पहले क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, फाउंडेशन लगा दे फिर कंसीलर लगाएंगे. ओके, सारा नहीं लगाना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा. मेरा फॉरएवर फेवरेट छोटू सा मेरा उसमें देखकर मैं मेकअप करूंगी. फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ब्रश. और काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ब्रश के जरिए. वैसे आप लोग सोचेंगे कि इतना ज्यादा मेरा फेस चमक क्यों रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं सूरज की लाइट के बिल्कुल सामने बैठी हुई हूँ. उप्स, सूरज की लाइट नहीं, स्पॉट लाइट की. और नहीं, लुक ऐसे आते ही. सो फाउंडेशन मेरा ब्लेंड हो चुका है, अब हम लगाएंगे कंसीलर. कंसीलर अब मैं अप्लाई करूंगी. सॉरी टू से गाइस, आज आपकी रबिया काशिफ खान बहुत मस्ती के मूड में है. ब्लेंडर निकल जाओ. ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम अपना कंसीलर ब्लेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस. बिफोर एंड आफ्टर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया है और उसको मैंने ब्लेंड इस तरह से किया है कि वो पूरी स्किन पर लग जाए और ज्यादा ऐसा लगे भी नहीं कि वो जो होता है ना बहुत सारा बेस लगा हुआ है और हम ऐसे बाहर जा रहे हैं तो वो अलग से नजर आ रहा होता है, तो ऐसा नहीं लगेगा. ट्रस्ट मी गाइस. थोड़ा सा हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, थोड़ा सा नहीं मतलब नॉर्मल जितना आपका मुंह है. सो लगा मेरा मजाक. आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेस कितना ज्यादा स्मूथ लगा है ना. अब मैं करूंगी बिल्कुल लाइट सी कॉन्टोरिंग, इतनी ज्यादा इनहेंस नहीं होगी कॉन्टोरिंग लेकिन हम थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करेंगे. आप लोग सोचेंगे मैंने बोला था कि हम बिल्कुल थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करेंगे, रुको जरा सबर करो. कितने अच्छे तरीके से मैंने ब्लाइंड कर दिया तो वो पता ही नहीं चला कि मैंने कॉन्टोरिंग की भी है. फर्क लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है? आवाज नहीं आ रही, कमेंट्स में बताते हैं भाई, कमेंट्स पढ़ लूंगी मैं आप लोगों की. ठीक है, बाद हम लगाएंगे ब्लश. वाओ, ये ब्लश का मेरे पास बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर लेके आई हूँ मैं. And it's done. वैसे आप लोग के
जहन में ये बात आ रही होगी कि रबीका तो टेंट इस्तेमाल करती थी। रबीका टेंट इस्तेमाल करती है, ये रहा टेंट। लेकिन आज मेरा बहुत दिल करता है कि मैं ब्लश लगाऊं, तो इसलिए मैंने ब्लश लगाया है। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, ये वाला मेरा फेवरेट है, फेवरेट आजकल। इससे आएगा असल ग्लो। तो मैं देख रही थी कि कोई एक्ट्रेस की पिक्चर लगी हुई थी और वो धूप में खड़ी हुई थी, तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी, जिस पे लोगों ने कहा ओ माय गॉड नेचुरल ब्यूटी। तो एक्चुअली वो नेचुरल ब्यूटी तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना मेकअप इस तरह से करते हैं कि वो धूप में ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल नेचुरल सा लुक। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि थोड़े से मेकअप में भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा लुक करके कहीं भी बाहर जा सकते हो। सो या ये देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है ना, ये नेचुरल है, नेचुरल। आई शेड मैं नहीं लगाऊंगी, जैसे मैंने ब्लश लगाया है इसी को मैं आंखों पर लगाऊंगी, क्योंकि वो आई शेड बहुत ओवर लगता है। तो ये मैंने अपनी आंखों पर शेड लगा लिया है और अब मैं बिल्कुल लाइट सा यू नो पतला सा लाइनर लगाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा कि हमने लाइनर लगाया है। दिखाती हूँ लगा। इट्स डन। वैसे अगर आप लोग चाहें तो लाइनर लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहें, दिल नहीं है, तो बिल्कुल लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लाइनर लगा के दिखा दिया क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप लाइनर क्यों नहीं लगाती, इतना अच्छा लगता है आपकी आंखों पे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लगा लिया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं इतना पतला सा लाइनर मैंने लगाया है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा के बगैर आंखें ऐसी लगती है बिल्कुल बीमार बीमार सूनी सूनी। आंख पे लगा लिया है और दूसरी आंख पर मस्कारा नहीं लगाया। मैं आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ कि मस्कारा के बगैर कैसा लगता है, ये मस्कारे के साथ और ये मस्कारे के बगैर। सेम मस्कारा मैं दूसरी आंख पर भी लगा लूंगी। सो मस्कारा लग चुका है और मस्कारा लगने के बाद नजर आई है, निकल के आई है आंखें। अब मैं लगा लूंगी व्हाइट पेंसिल ताकि और निकल के आ जाए। लगाने की तो मैं लिपस्टिक शेड सारा ली कॉस्मेटिक्स का कैंसर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखते हैं कि कैंसर शेड मेरे लिप्स पर कैसा लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले आप लिप पेंसिल से अपने लिप्स बना लीजिए। एडिशन करूंगी ग्लॉस बॉम की, एंड ये ग्लॉस बॉम भी सारा ली कॉस्मेटिक्स का है। लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। ओह माय गॉड, लुकिंग फैबुलस, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। वाह, आई एम डन विद द मेकअप। सोचेंगे कि एकदम से जादू कहाँ से हो गया। सोचा कि इतने टाइम से जादू किया नहीं है तो क्यों ना अभी जादू कर लें। कौन बताए आप लोगों को कौन चेंज करने जाए, तो क्यों ना जादू से ही चेंज कर लें। ये है मेरा आउटफिट जो कि मैं अभी पहनने वाली हूँ, पहन के जाने वाली। बहुत ज्यादा दीवानी हुई हूँ सिल्क शर्ट्स के, तो मैंने अलग अलग कलर्स की बनवाई हुई है। अलग अलग कलर के साथ ये शर्ट्स मैं पहन रही हूँ। पिछले व्हाइट और ब्लू था, पर्पल और ये आई थिंक गोल्डन ब्राउन कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट कलर नेम, लेकिन कुछ इसी तरह से ऐसा किया है। आप लोग को बता भी दिया है कि किस तरह से आप लोग नेचुरल मेकअप लोग कर सकते हैं। मेकअप लुक। अब आप लोगों का नेचुरल मेकअप लुक क्या है, आप लोगों ने मेरी वीडियो से क्या क्या सीखा, वो आप लोग क्रिएट करने के बाद मुझे इंस्टा पर टैग कीजिएगा, फिर मैं आप सबकी वीडियोस देखूंगी, आप लोग को अप्रिशिएट भी करूंगी, एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसा इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ मैं आपकी रविका शिखान आप लोग से मिलने आती रहूंगी हमेशा इंशाल्लाह। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।